गुड मॉर्निंग एवरीवन. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. वी हैव मेनी प्रैक्टिस पेपर्स. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पेपर. एदे विच सानू बेटा पैराग्राफ दिता है. यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन रीड द पैराग्राफ. वी हैव फाइव क्वेश्चंस. अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ वी हैव टू आंसर देम. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योगा. देखो बेटे पैराग्राफ मैं रीड कर दी थोड़े लिए, ध्यान नाल सुनो. योगा वॉज यूज्ड इन द एंशियंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड. इट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट. अकॉर्डिंग टू योगिक व्यू डिजीजेस डिसऑर्डर्स एंड एलमेंट्स आर रिजल्ट ऑफ सेम फॉल्टी वे सम हो गए थे सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग बैड हैबिट्स लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड अनसुटेबल फूड. The diseases are thus the resultant state of a short or prolonged malfunctioning of body system. Since the root cause of a disease lies in the mistakes of individual, its cure also lies in correcting the mistakes by the same individual. Thus, yoga relies entirely on the efforts of the patient to cure himself. The expert shows only the path and works on more than as a counselor. देखो पहला आंसर है बेटे कि योगा की है. योगा है जो पर्सन नू बॉडी ते माइंड द्वारा फिट रखता है. फर्स्ट आंसर है पहली लाइन दे विच ही है. सेकेंड वट कॉजेज डिजीज एलमेंट्स एंड डिसऑर्डर. देखो ये थोनू थर्ड लाइन दे विच दिता होया है सेम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग बैड हैबिट्स. थर्ड है व्हाट डज योगा रिलाई ऑन इंटायरली. योगा रिलाई ऑन द एफर्ट्स ऑफ पेशेंट्स टू क्योर हिमसेल्फ. देन हाउ डज अ योगा एक्सपर्ट वर्क. योगा एक्सपर्ट किमें वर्क करता है एज अ काउंसलर. देन योगा इज अ सिस्टम ऑफ. योगा किस चीज का सिस्टम है. इट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स दैट आर टेक्स्टुअल बेस्ड. फर्स्ट क्वेश्चन नेम द स्टोरी राइटर ऑफ द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस ऑस्कर वाइल्ड. द ड्रॉप्स वर कमिंग फ्रॉम डैश ऑफ द हैप्पी प्रिंस आईज. टू नॉन मटीरियल थिंग्स मेंशन्ड इन द लेसन चैरिटी एंड मर्सी. साइंस इज डूइंग लेस देन नथिंग फॉर नॉन मटीरियल थिंग्स. विच इलस्ट्रेशन वॉज गिवन बाय प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी बर्निंग ग्लास. द प्राउड पोजेशन ऑफ जिम वॉज गोल्ड वॉच. Then who did author meet in the hospital ward? Naeem. The author regained his eyesight after third operation. Subia was a rice merchant. Subia had five children. The blind man was selling pencils on the walk side. बेटे मैं थोड़ी स्पीड च तां बोली है. ऑलरेडी आप सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज. नेक्स्ट देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टैंजा बेस्ड आऊगा. हूज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर. Whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of public fame or private breath. रजे यह हैप्पी मैन बारे गल की है कि हैप्पी मैन पैशन तो नहीं डेथ तो नहीं डरदा ते वह आपदी पैशन का स्लेव नहीं हुंदा. उनू कोई भी पब्लिक फेम या प्राइवेट ब्रेथ मतलब कोई भी फेम नहीं चाहिदा हुंदा. हुन क्वेश्चन देखो जेडे अपन दिते गए. वट इज हैप्पी मैन नॉट अफ्रेड ऑफ. ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ. What is happy man not slave of? He is not slave of passions. A happy man obeys the rules of goodness. Sir Pratap Singh lived in rose red house. Something that is written by an unknown person. Anonymous bol de nu. There are plenty of fish here. Are ni aana is auga. There is plenty of fish here. अगे रजे देखो अ गुड बिगनिंग मेक्स अ गुड एंडिंग. ए प्रवर्ब है. एदा मतलब है कि जे स्टार्टिंग वधिया हुंदी है ता एंड भी वधिया हुंदा है. अ वेल बिगन टास्क एंड्स इन अ गुड स्टेट. अगे आपां नूं दित्ता गया है ट्रांसलेशन. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट. मेरा मिसर विच इंतजार हो रहा है. दिस इज द एज ऑफ मशीन. ए मशीन दा युग है. हल कर सकता हाँ. आई कैन सॉल्व दिस सम. यू हैव टू ट्रांसलेट इट फ्रॉम पंजाबी टू इंग्लिश. असी क्रिकेट खेडते हाँ. वी प्ले क्रिकेट.
देन डू एज डायरेक्टेड. देखो बेटे फर्स्ट है डिटर्मिनर फिल करना है. मिस्टर शर्मा वेंट टू बाजार एंड बॉट सम हनी. हनी नू आप काउंट नहीं कर सकते. फ्रॉम अ शॉप. देन नेक्स्ट देखो डैश शॉपकीपर गेव हिम डैश हनी. द शॉपकीपर गेव हिम द हनी. अ हनी नहीं हुंदा इस करके ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. देन प्रेपोजिशन फिल करनी है. द डाउरी सिस्टम डी जनरेटेड इन टू एन ईवल कस्टम. इट बिकेम नेसेसरी फॉर द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल्स टू गिव अ डाउरी टू देयर डॉटर्स. ए ऑप्शन इज करेक्ट. देन आई वॉच हर मेक अ डॉल. देखो रजे दे विच इनफिनिटिव फाइंड करना है. इनफिनिटिव हैगा मेक. जिदे विच मैं थोनू ए गल भी दसी सी कि मेक वगैरह दे नाल टू नहीं लगदा, सीधा सीधा उवें ही रहिंदा है इनफिनिटिव. देन यू हैव अ ट्रेन दैट कैन कैरी यू बैक होम. इहदे विच क्लॉज फाइंड करना है. आपां की करना है रिप्लेस करना है रैलेटिव क्लॉज बाय एन इनफिनिटिव. मतलब की है जदों थोनू कह देन इनफिनिटिव करो मतलब टू लगाओ. दैट कैन कैरी नू रिप्लेस टू दे नाल करना है. दैट कैन कट के तुसी की लिख दोगे टू कैरी. देन That Mohan was a doctor was not known to me. Noun clause. देखो रजे जदों तुसी किवें देख सकदे हो, वैसे इत्थे तां इन्हां ने यही पुछे की है noun clause. तुसी आंसर दोगे कि that Mohan was a doctor. पर इहदी पंजाबी करके जो तुसी देखदे हो ना कि मोहन डॉक्टर है, मैनू नहीं पता सी. मैनू नहीं पता सी आपां कहीए की नहीं पता सी. जदों आपां एक क्वेश्चन बनाने की नहीं पता सी, की वर्ड आंदा ओ noun clause हुंदे आ. ठीक है, इसलिए नाउन क्लॉज है. अगे शी विल वॉटर द प्लांट्स. इनू वॉयस करो. द वॉटर अगे आऊगा, सॉरी द प्लांट्स अगे आऊगा. विल दे नाल बी लग जूगा. द प्लांट्स विल बी अगे वॉटर दी थर्ड फॉर्म वॉटर्ड. फिर बाय लगूगा. फिर शी दा हर बनूगा. सी आंसर इज द करेक्ट आंसर. अगे देखो बेटे अगे थोनू नोटिस दिता हुआ है कि यू आर राजीव शर्मा हैड बॉय ऑफ डी ए वी पब्लिक स्कूल लुधियाना. ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द हाउस कैप्टन टू अटेंड अ मीटिंग विद वाइस प्रिंसिपल फॉर द एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द स्कूल. किदू गल कीती हुई है? हाउस कैप्टन नाल गल कीती हुई है. वेन्यू की है? वाइस प्रिंसिपल दा ऑफिस है. अगे मैसेज देखो. अजीत शर्मा ने कॉल कीती है. उन्हें कहा कि हैलो इज दिस ए वाला नंबर है. अंजू कहती यस. मे आई नो हु इज कॉलिंग. कौन गल कर रहा है? अजीत शर्मा कहना मैं अजीत शर्मा है, मैं मिस्टर चड्डा नाल गल करनी है. अंजू कहती कि मेरे पापा घरे नहीं है, तुसी मेनू मैसेज दे दो. अजीत शर्मा कहता है कि उन्होंने को सोसायटी की मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है, नवी डेट आऊगी तो थोनू दस दिता जाऊगा कदों आऊगी. अंजू कहती ठीक है मैं मैसेज लगा दूंगी. हुण मैसेंजर कौन है ये कि जो मैसेज दे रहा है? बेटे एदा आंसर है अंजू. मैसेंजर ओ हुंदा है जेड़ा मैसेज लगांदा है. अजीत शर्मा ने मैसेज दिता है, अंजू नू दिता है, तां मैसेंजर है अंजू. देन मैसेज की है? मीटिंग पोस्टपोन हुई है. अगे देखो एडवरटाइजमेंट है बेटे फ्रेश फील माउथ वॉश दी. कहंदे केड़ी लाइन ज्यादा वधिया है इहदे विच कि 5% ऑफ, बाय बाय टू जर्म्स, फील फ्रेश फॉर द होल डे. ए सारी ही एडवरटाइजमेंट दे विच लाइन्स आ सकदी है. सो ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट आंसर. नाउ मूव ऑन टू द सेकंड टेस्ट पेपर. देखो बेटे पैराग्राफ देखो. मैं तुहानू पूरा शो कर रही हां, तुसी पॉज कर लो वीडियो ते इनू रीड कर लो. देन उहदे बाद इहदे क्वेश्चन तुसी आप करने है पैराग्राफ दे. इहदे नेक्स्ट दो क्वेश्चन है. I have given you some silence so that you can read this passage and then find out the answers. Then next move on to the textual questions. The son of the seamstress was crying because he wanted to go to Egypt. Is it correct or not? No, it is false. Aur ro ta reha si because unu fever si aur oranges mang reha si. Then poor seamstress nu ki ditta gaya si? Swallow ne ki ditta si? Ruby. Keda age group hai overcrowded hai? Upper age. साइंस ने की हेल्प किया है? हैज हेल्प मैन टू लिव लोंगर. किने सरमन दिता सी अगेंस्ट फियर? गिलबर्ट एंड चेस्टरटन ने. ते कगावा ने क्या सी? टू हैव फेथ इन गॉड. डेला ने आपदे वाल किन्ने डॉलर्स वेचे सी? $20. ऑथर कौन सी बिफोर ही लॉस्ट हिज आई साइट? पेंटर. ऑथर न्यू दैट नईम वॉज ब्लाइंड. की उन्हें पता सी? नो, फॉल्स है आंसर. वेयर डिड सुबिया वाइफ टेक द मैन? कितने लैके जाती है सुबिया की वाइफ उस बंदे नू? गोडाउन दे विच. सुबिया डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट? नो, रोड एक्सीडेंट दे विच नहीं मरिया सी, बोरियां दे थल्ले आके मरिया सी.
देन हु हैंडेड ओवर $1,000 टू रॉबर्ट गिलियन की ने पैसे देते सी लॉयर टॉलमन. देन पैरा देखो बेटे स्कैप्चर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेड विद द पुअर क्रूक्ड साइथ एंड स्पेड. मतलब समझो स्कैप्चर ते क्राउन है जो वो किंग नू सिंबलाइज कर रहे थे. कहंदे कि शानो शौकत पावर सब कुछ खत्म हो जाना है, मिट्टी च मिल जाना है, मिट्टी सब बराबर हो जाएंगे. साइथ एंड स्पेड मजदूर नू शो किता है, लेबरर्स ते वर्कर्स नू शो किता है. तो हू आर इक्वल बिफोर डेथ, रिच एंड पुअर. साइथ एंड स्पेड स्टैंड्स फॉर पीजेंट्स एंड लेबरर्स. की चीज रहती आफ्टर डेथ, गुड डीड्स. सर प्रताप सिंह का फ्रेंड कौन सी, इंग्लिश सोल्जर. अगेन देखो एमसीक्यूज है, वन वर्ड, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड अथीस्ट. ते जेड़ा बिलीव करूगा गॉड दे विच ओ थीस्ट होगा, ए कटिया जाऊगा. मोहन इज ट्राइंग, ही वॉन्ट्स टू फॉलो गांधी जी. एनु सिंगल सेंटेंस बनाना है, तुसी टू लगाओगे, टू एक्चुअली लग्या हुआ ही है, तुसी एनु कट्ठा करोगे. मोहन इज ट्राइंग टू फॉलो गांधी जी, ही वॉन्ट्स कट दोगे. नेक्स्ट देखो प्रवर्ब है बेटे कि जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिन विद अ सिंगल स्टेप. मतलब ये कि बहुत वड्डे वड्डे प्रोजेक्ट जे करने हैं, काम करने हैं, तो बिगनिंग तो करनी ही पैंदी है. फर्स्ट करेक्ट है, एवरी ह्यूज प्रोजेक्ट हैज अ हम्बल बिगनिंग. अगे आई डिडंट वॉन्ट टू डाई, डिडंट है सेकेंड फॉर्म है, मैं मरना नहीं चाहता सी. हर आईज वर शाइनिंग ब्राइटली, उस दया अखा बहुत ज्यादा चमक रही सन. सन आऊगा वर लिखा हुआ. ओ कदों सौंदे हन, वैन डू दे स्लीप. कदे झूठ ना बोलो, नेवर टेल अ लाई. देन डिटर्मिनर्स देखो, इन माई लास्ट समर वेकेशन आई वेंट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस. इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. क्रिकेट इज नोन, प्रेपोजिशन फिल करना है फॉर. इट इज पॉपुलर जो ज्यादा होन अमंग आंदा है, अमंग मैन एंड वोमेन ऑफ ऑल एजेस. देन नॉन फाइनाइट फिल करना बेटे, आई एम अफ्रेड ऑफ अपीयरिंग. देन आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, ए इनफिनिटिव नू चूज करो, पिक आउट द इनफिनिटिव टू बिकम. देन एडजेक्टिव क्लॉज देखो, ए ओ कुड़ी है जिन्हें मेरी हेल्प कीती सी. ए कुड़ी दी विशेषता है, तो आंसर की सही है हु हेल्प मी, ए एडजेक्टिव क्लॉज है. एंड शी इज द गर्ल ए प्रिंसिपल क्लॉज है. अगे वॉइस चेंज करो, डज रघु स्पीक द ट्रुथ. देखो बेटे इन ईजी करने लई तुसी ए सोच लो, डज है नहीं इत्थे, द ट्रुथ अगे लियाओ. स्पीक फर्स्ट फॉर्म है इज लिखिया, इज स्पोकन बाय रघु. हुन जदों क्वेश्चन फॉर्म है आंसर भी स्पोक क्वेश्चन फॉर्म दे विच ही आऊगा. जेड़ा इज तुसी अंदर लिखा है उनू जे बाहर कढ दियो तां ए वाला आंसर बनदा, इज द ट्रुथ स्पोकन बाय रघु. बट ए उदों हुंदा जदों डज लग्या होवे, अगर इत्थे डिड लग्या होवे तां इत्थे वाज आऊगा. आई होप इट इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट मूव ऑन टू नोटिस राइटिंग. Being a secretary of Sai Baba Society, Somesh Vihar, Delhi, prepare a notice for the residents of colony giving hints for the prevention of dengue fever and your name is Sheetal Jain. देखो किदे बारे गल की थी, किदे नाल गल की थी हुई है, residents नू address की थी. Answer is residents of the colony. Then notice किस चीज दे बारे है, prevention of dengue fever. Dengue बोल दे नू वैसे, dengue fever. Then move on to the message. ए मैसेज किस लई है, पहला नेहा ने कॉल कीती है, सीमा ने चुक है. हुन थर्ड लाइन च देखो दस्या होगा कि मैसेज किदे लई है, कृति लई है. दिस मैसेज इज फॉर कृति. की मैसेज दिता उन्होंने, उन्होंने मैसेज दिता है बर्थडे पार्टी बारे, इनविटेशन दिता है बर्थडे पार्टी ते, बर्थडे इनविटेशन. नेक्स्ट एडवरटाइजमेंट देखो कि रोज टच स्क्रीन स्किन क्रीम है. एडवरटाइजमेंट च की चीज दिती होगी, 5% ऑफ भी दिता होगा, मेक्स द स्किन सॉफ्ट भी होगा, बाय बाय टू ड्राइनेस भी होगा. तो आंसर की होगा ऑल ऑफ अबव. सो टू प्रैक्टिस पेपर्स हैव बीन कंप्लीटेड. नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पेपर. यू हैव टू रीड दिस पैसेज वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू आंसर द फॉलोइंग 5 questions. पॉज दिस वीडियो एंड देन रीड द पैराग्राफ एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट 2 questions आई एम शोइंग यू इन अ बिट. Now move on to the next 2 questions. Here are these 2 questions of that paragraph. Now move on to MCQs. Where did the statue of Happy Prince stand? On a tall column. What was used for the eyes of Happy Prince? Sapphires. Do sapphire lagge si bete odi akhaan te. Ruby si jeda odi sword hilt te si. Sword si jedi ode kole.
देन मशीन्स, मॉडर्न एज इज द एज ऑफ मशीन्स. मशीन्स हैव गिवन अस डैश पार. अब नॉर्मल पार मतलब ये है कि नॉर्मल नालो भी वध पार मिली है सानू. ठीक है, उदू बाद डैश एंड गॉड गिव्स अस रियल पीस ऑफ माइंड, फेथ इन गॉड. हाउ मैनी डॉलर डिड डेला लेफ्ट विद अस, ओदे कोल किन्ने डॉलर सीगे आपदे कोल ही, 1.87. नईम अर्ज द ऑथर टू रीस्टार्ट, की क्या सी उन्हें स्टार्ट करने ली, पेंटिंग. द ऑथर लॉस्ट हिज आई साइट इन एन एक्सीडेंट. वेयर वुड सुबिया गो टू कलेक्ट द राइस ड्यूरिंग द ड्रॉट, सोके वेले वो किथे राइस कलेक्ट करन जांदा सी, कंट्री साइड. ही वुड सेल राइस एट वेरी हाई रेट एंड अर्न बिग प्रॉफिट्स. वट हैपन टू द नोट ऑफ अकाउंट रिटन बाय गिलियन, की होया सी रिटन ने ओहो उन्हें गिलियन ने ओ नोट फाड़ दिता सी. ए क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है, हले तक ए क्वेश्चन किते नहीं आया. एक ता 16th क्वेश्चन फर्स्ट टाइम है ना पैर इस पेजेस दे विच आया है. एक ऊपर देखो तुसी 9th क्वेश्चन भी नहीं आया पहला. इन्हां नू अच्छी तरह तुसी रीड करना है. देन एमसीक्यूज देखो बेटे कादे स्टैंजा दी. बीनीथ द मॉर्निंग स्टार्स दे रोड, एक इदा है ए बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह बारे गल हो रही है. जदो दोनों दोस्त आपका टाइम स्पेंड कर रहे हैं राइडिंग कर रहे हैं हॉर्सिस ते, बीनीथ द इवनिंग सन मतलब दिन तो शाम तक वह राइड करते हैं. देयर ब्लड सैंग टू दैम एज दे रोड मतलब एक दूजे नू रिस्पैक्ट करते हैं, एक दूजे नू प्यार नाल गल करते हैं, पूरे वधिया फ्रेंड्स है वो. दैट ऑल गुड वार्स आर वन. ते एक होर चीज दसी गई है कि इस पोइम दे विच आपां नू उन्हां दी दोस्ती बारे शो किया हुआ है. How long did the two continue riding together from morning to evening? ते ओ की दिखांदे है कि how do they feel about wars? ओ दिखांदे है कि wars है जिहड़ियां एक है, wars are one. Then multiple choice questions, character of a happy man. The poem tells the secret of a truly happy life. How does death treats everyone equally? A word opposite in meaning, की बोलदे आ नूं, antonym. She is A M A दे विचों गलती से चूज करनी है N M A. A penny saved is penny earned दा मतलब की है प्रवर्ब दा कि जिन्ना सेव करोंगे सेविंग भी उन्नी ही इंपॉर्टेंट है जिन्नी की अर्निंग. कमांदे जाइए तो पूरा खांदे जाइए उदा कोई फायदा नहीं, सेव करना उन्ना ही इंपॉर्टेंट है. देन ट्रांसलेशन, शी स्टॉप्ड एट अ शॉप. देखो स्टॉप्ड सेकेंड फॉर्म लगी है मतलब सिंपल पास्ट है. सिंपल पास्ट दे विच तुहानू पहला समझाया हुआ है कि जिवें चुका होया ए चीज मूह खुला हुंदा है. इथे तुसी देखो ओ एक दुकान ते रुकी, यही आंसर करेक्ट है. एक ते रुकी रही, रही आंदा है जिथे आई एन जी लग्या हुंदा है, पहले दे विच नहीं लग गया, इस करके आंसर है सी. देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आंसर है आसमान विच एक भी बदल नहीं है क्योंकि इज लग्या हुआ है. नेक्स्ट ट्रांसलेशन है जो आऊगी अपन पंजाबी टू इंग्लिश. काश मैं अमीर हुंदा, वुड वर दैट आई वर रिच, नो ये गलत है थे, वुड दैट आई वर रिच आंसर आऊगा. सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, वुड दैट आई वर रिच. देन की चपरासी कंटी बजा रहा है, इज द पीएन रिंगिंग द बेल. देन आर क्लास टीचर ऑर्गेनाइज हिज बर्थडे पार्टी एट हिज होम. जे थे अ हुंदा तां तुसी अ लिखना सी, फिर हिज भी नहीं सी ज्यादा एप्रोप्रिएट, फिर अ ज्यादा एप्रोप्रिएट है. देन अ फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द पार्टी बट थिंग्स हैव चेंज्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ. तुसी पूरा सेंटेंस बोल के देखियो तुहाडे मुंह चो ऐ ही निकलदा है, थिंग्स हैव चेंज्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ. देन दिस काइंड ऑफ क्रिकेट हैज सर्टेनली कॉज द फैंसी ऑफ पीपल. शी वॉन्ट समथिंग दैट कैन दैट शी कैन ड्रिंक, इनू चेंज करना है आपां, दैट शी कैन कट दोंगे टू ड्रिंक लगा दोंगे. ठीक है, ये भी बिल्कुल डिफरेंट चीज आ रही है, पिछले पेपर दे विच भी सी. टू लगाना है तुसी, रिप्लेस करना है क्लॉज नू. देन नेक्स्ट देखो बेटे नॉन फाइनाइट है, ज्यादा चांसेस हुंदे है कि बिल्कुल एंडिंग ते बिल्कुल स्टार्टिंग ते बिल्कुल एंडिंग दे विच आई एन जी वाले ही इनफिनिटिव्स लगते हैं. सीइंग द थीव्स इन हर हाउस शी स्टार्टेड शाउटिंग, जिवें ही उन्हें घर दे विच चोर देखे ओ चीका मारन लग पई. देन लाइफ इज वट यू मेक इट, नाउन क्लॉज देखना बेटे, ये नाउन क्लॉज है वट यू मेक इट. दिस इज द सबॉर्डिनेट क्लॉज एंड लाइफ इज ए है प्रिंसिपल क्लॉज. लाइफ की है तुम मैं पहला भी समझाया सी, की है जदों आवे वो की है नाउन क्लॉज है. इतने नाउन क्लॉज की है वट यू मेक इट.
देन इन वॉइस चेंज करो बेटे, ही हेल्प्ड हिज फादर इन हिज ओल्ड एज. इन हिज ओल्ड एज आप एनजी बाच लगा देंगे, की चीज करोगे, हिज फादर वॉज हेल्प्ड इन हिज ओल्ड एज बाय हिम. देखो आंसर कितने करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर. देन देखो बेटा नोटिस, हु इज एड्रेस टू द नोटिस एंड वट इज द डोनेशन फॉर. देखो आप ऊपर रीड कर दें कि मोहन कुमार स्पोर्ट्स सैक्रेटरी है पार्वती जैन स्कूल जलंधर दे विच स्पोर्ट्स गुड बेचन लिए किया, उन्होंने कहा कि बच्चे आके खरीदन डोनेट करन पुअर कैंसर पेशेंट्स लिए. किधर नाल गल कीती है, स्टूडेंट्स नाल गल कीती है. डोनेशन किस लिए हो रही है, कैंसर पेशेंट्स लिए. ठीक है, देन नेक्स्ट है मैसेज दिता है, अनुष्का ने कॉल कीती है, रितु ने चक्या है. अनुष्का कहंदी कि मैं ईशान नाल गल करनी है, रितु कहंदी वो लाइब्रेरी गई है. देन मैसेज इस पैराग्राफ दे विच है कि प्लीज टेल हिम दैट हिज इंटरव्यू फॉर टाटा इंडिकोम हैज बीन फिक्स्ड फॉर टुमारो 9 AM शार्प, ही शुड रीच द ऑफिस इन टाइम एंड ऑल्सो ब्रिंग हिज सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद हिम, डोंट फॉरगेट इट्स अर्जेंट. ठीक है, मैसेज समझ आ गया. ए मैसेज की दे लई सी, मैं तुहानू दस्या है ईशान लई, ए थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन है. मैसेज है की इत्थे तुसी आप देखो, मैसेज है इंटरव्यू है टाटा इंडिकोम च, कल है 9 बजे सुबह, तो ए वाला आंसर करेक्ट है. विच लाइन इज नॉट सुटेबल फॉर द एड, ए एडवरटाइजमेंट का क्वेश्चन है. एडवरटाइजमेंट हैगी है हाई लाइफ फर्नीचर हाउस बारे. ऑप्शन सही की है कि अच्छा उन्होंने कहा कि केड़ी ऑप्शन नहीं सही. देखो ऑफ भी आप दिने हैं, आप ये भी कहने कि बेस्ट फर्नीचर है, पर फील फ्रेश फॉर द होल डे ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है. ठीक है, दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएट एड. देन नेक्स्ट देखो, इंसेक्ट्स हेल्प अस बाय गिविंग. एक मिनट रुको बेटे, ए नेक्स्ट. अच्छा इतने अपना जरा पूरा प्रैक्टिस पेपर खत्म हो चुके हैं, अपना नेक्स्ट शुरू होना है. पेज गलत अटैच होया हुआ है, फोर्थ पेपर देखो. एक मिनट लेट मी अनसील इट, एक मिनट. देखो बेटा ये थोड़ा पैराग्राफ है, इंसेक्ट्स आर मोस्ट कॉमन एनिमल्स ऑन अवर प्लैनेट, मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स हैव बीन नेम्ड, मेनी आर येट टू बी डिस्कवर्ड. चलो आप क्वेश्चंस रीड करते हैं. व्हाट मेक्स अ स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स इंटरेस्टिंग, ये सारिया चीजा है जो इंसेक्ट्स की स्टडी नू इंटरेस्टिंग करती है. तुसी जदों उपर पैराग्राफ पढ़ोगे, इत्थे पॉज कर लो वीडियो, पूरा पैराग्राफ चंगी तरह रीड कर लो. हुन देखो बेटा तुसी जो रीड कर लिया ये पैराग्राफ, एदे विच आंसर्स देखो, सारे आंसर्स एदे विच हैगे है, आंसर तुसी लगाओगे ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंसेक्ट्स हेल्प अस बाय गिविंग. इंसेक्ट्स आपां नूं फूड बाय पॉलीनेटिंग फ्लावर भी दिंदे हैं, सिल्क भी मिलता है, हनी एंड बी वैक्स भी मिलता है. आंसर आऊगा ऑल ऑफ द अबव. देन थर्ड है, इंसेक्ट्स फीड ऑन एन एंडलेस वरायटी ऑफ फूड, मीन्स कि वह इंसेक्ट्स प्लांट्स भी खाते हैं, डेड एनिमल्स भी खाते हैं. ठीक है, आंसर बी सी आऊगा, बोथ ए एंड बी. देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस आर इंसेक्ट्स डू नॉट डू एज डीकम्पोजर्स, की नहीं.